उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक मान्यता प्राप्त स्कूल में एक महिला शिक्षक ने मुस्लिम धर्म से संबंध रखने वाले बच्चे को उसकी क्लास के दूसरे बच्चों से पिटवाया है। बता दें कि वायरल हो रहे वीडियो में महिला टीचर कुर्सी पर बैठकर बच्चे की पिटाई के लिए दूसरे बच्चों को बोल रही है और जमीन पर बैठे बच्चे को मासूम बच्चे को थप्पड़ मारने के लिए कह रही है, जिसके बाद बच्चा सामने से आता है और मासूम बच्चे को थप्पड़ मारता है। बता दें कि वीडियो में महिला वहाँ बैठे एक व्यक्ति से बात कर रही है और बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति भी टीचर है और उसी ने ये वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और जयंत चौधरी के साथ विपक्ष के कई नेताओं ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर पोस्ट में लिखा कि मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना है। एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये भाजपा का फैलाया वही कैरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य है, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश का है, टीचर एक मासूम बच्चे को क्लास के बाकी बच्चों से पिटवा रही है और इस पर फख्र भी कर रही है। बच्चे के पिता ने उसे स्कूल से निकाल दिया है और लिखित में दे दिया है कि वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार ने एक छोटी सी बात पर स्कूल पर बुलडोजर चला दिया था। यहाँ एक बच्चे को उसके मजहब की बुनियाद पर पीटा जा रहा है और एक कड़ी निंदा वाला ट्वीट तक नहीं आता है। वहीं पुलिस ने बताया कि बच्चे को स्कूल का होमवर्क ना करने पर पिटवाया गया था और इसकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जाँच की गई, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है, जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। क्या नाम है जी तुम्हारा? वही मामला तूल पकड़ता देख पीड़ित छात्र के परिवार ने अपने बच्चे का नाम स्कूल से कटवा लिया। वीडियो का मैटर है, बच्चों का मैडम ने आपस में विवाद करवाया, अब हमने उसमें जो है समझौता कर लिया, अब हम इस माँ का कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। समझौता किस तरीके से हुआ? समझौता यही हुआ, आगे आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के, उन्होंने फीस वापसी दे दी हमारी, हम बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाते। बता दें कि इस मासूम बच्चे का गुनाह सिर्फ इतना था कि इसने अपना होमवर्क नहीं किया था, जिसके लिए उसे मार खानी पड़ी। हालांकि इस विवाद के बढ़ने के बाद भी अभी तक इस मामले में बीजेपी की तरफ से सार्वजनिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।